हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं पोंचे बनाऊंगी, डिज़ाइनर पोंचे बनाऊंगी। तो ये देखें, सलवार को मैंने स्टिच कर लिया है, जोड़ लिया है। अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। तो जिस कलर का सूट है ना, उस धागे से बनाने वाली हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने ये बुकरम को पट्टी पे लगा लिया है, और फिर हमें सीधी सलवार रख कर इस तरह जोड़ लेना है, उसको पलट लेना। इस कलर का मैं धागा लगाऊंगी क्योंकि यही इसकी कमीज है। तो इस कलर से मैं बनाने वाली हूँ डिज़ाइन वाले पोंचे। तो ये देखें, इसको हम पट्टी को इस तरह से जोड़ेंगे, सीधी सलवार पे इसे रख कर से यहाँ सिलाई लगाएंगे किनारे पे। देखें इस तरह से। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी बुकरम रखें इस तरह नापे नहीं, आगे बढ़ाकर ही रखें ताकि मोड़कर हमारा पोंचा ठीक से बने। तो सिलाई मैंने लगा दी है, और इसको मोड़कर किनार पे एकदम सिलाई लगानी है, ठीक है। और फिर ये देखें, ये सिलाई लगा दी। तो अब हमें चार सिलाई लगानी है, एक यहाँ लगानी है और दो इसी तरह ऊपर लगानी है किनार पर, और ये थोड़ा सा हटा कर, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने एक चार सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब मैंने ये धागा डाल लिया है, मशीन को हम सेट कर लेते हैं डिज़ाइन पे। तो ये 15 नंबर का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे बनाऊँगी, क्योंकि तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो बस सीधा सीधा मैं सीधा पहले बनाने वाली हूँ, तरह रख के सीधा सीधा चलाना है, हल्का हल्का पीछे से हमें खींचना है, बिल्कुल धीरे से खींचना है, एकदम से नहीं खींचना है, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाती रहनी है सीधी, जो हमने दो सिलाई लगाई हैं उनके बीच में मैं लगा रही हूँ ये। तो ये देखें, ये मैंने सीधा चलाते हुए मशीन को इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह का मैं ऊपर बनाऊंगी, ये दोनों तरफ मैंने बना लिया। तो अब आपकी मर्जी है, जिस तरह बीच में बनाना चाहते हैं या और भी कोई और सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं इसे घुमाते हुए यही डिज़ाइन चला दूँगी। देखें, तो इसी डिज़ाइन को मैंने पूरे पोंचे पे इसे घुमाते हुए चला दिया। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, मगर मैं एक बार और चलाऊंगी इसे दूसरी तरफ से। तो ये एक बार मैं और चला देती हूँ। तो बहुत ही आसान है इससे पोंचे बनाना, और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं देख कर। तो अब मैं इधर से चला देती हूँ, तो कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसमें और भी पैटर्न हैं डिज़ाइन के, आप सेट करके दूसरा कोई भी बना सकते हैं। तो मैं आज ये दिखा रही हूँ, अगली बार मैं दूसरा लाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैं घुमाते हुए दूसरी तरफ से इसको मैं बना देती हूँ। अगर आपकी कमीज़ में बहुत सारे कलर हैं तो उन कलरफुल पोंचे भी आप बना सकते हैं। तो तो दूसरे पोंचे पे भी मैं इसी तरह बना लूँगी, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ सलवार, फिर मैं दिखाऊँगी। ये देखें, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। तो पूरी सलवार स्टिच हो गई है। तो ये देखें, तो इस तरह से आप भी कमीज के कलर के पोंचे बना सकते हैं, कढ़ाई वाले पोंचे भी इससे बोलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं वीडियो जो भी डालूँ सबसे पहले आपको मिले।